प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एज हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं आइंस्टीन के प्रकाश धारा समीकरण से प्रकाश से धारा प्रभाव के नियमों की व्याख्या। हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ चार पॉइंट हैं। हम चार बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे हम समझेंगे कि जो प्रकाश धारा समीकरण जो होता है, हम उसके आधार पे किस तरह से हम प्रकाश धारा जो प्रभाव होता है, हम उसकी किस तरह से उसकी नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। देखो, पहला बिंदु क्या है, हम सबसे पहले इसमें जो प्रकाश धारा समीकरण लिखते हैं, अपन ने इससे पहले की वीडियो में प्रकाश धारा समीकरण के बारे में अध्ययन किया था, तो वो समीकरण इस प्रकार से था। अपन जानते हैं कि जो प्रकाश धारा समीकरण होता है वो देखो इस तरह से होता है। देखो, प्रकाश धारा जो समीकरण है वो होता है के मैक्स बराबर हाई नॉट प्लस में एच न्यू, ये होता है। के मैक्स मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये होता है 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर, अपन जानते हैं कि फाइनोट यहाँ पे कार्य फलन है, इसका मान क्या होता है, फाइनोट बराबर होता है एच इंटू न्यू नोट। तो यहाँ आ जाएगा एच न्यू नोट प्लस में एच न्यू, ये हमारा होता है प्रकाश धारा समीकरण। हम इस समीकरण की सहायता से ये जो प्रकाश धारा प्रभाव है, हम इसके नियमों की व्याख्या करेंगे। देखिए, ये हमारा समीकरण है, इसको कहते हैं प्रकाश धारा समीकरण। इसमें हम चार बिंदुओं के बारे में देखो बात करेंगे। देखो, पहला हमारा बिंदु ये आता है, आप ये देख पा रहे हैं ये तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान है एच, या प्लैंक नियतांक है। अगर हम यहाँ से एच को कॉमन ले लें, जैसे ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर, यहाँ एच कॉमन ले लें, जैसे इधर से देखो एच ये बच गया न्यू नोट प्लस में न्यू, यहाँ एच तो प्लैंक नियतांक है, न्यू नोट देहली आवर्ती है और न्यू यहाँ फोटोनों की आवर्ती है। अब देखिए, आप यहाँ पे एच तो प्लैंक नियतांक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो के मैक्स का जो मान है, ये के मैक्स से समानुपाती हो सकता है किसके भाई, न्यू नॉट प्लस न्यू के, यहाँ ये दोनों आवर्तियाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फोटोनों की आवृत्ति के अंदर अगर हम वृद्धि करते हैं, तो फोटोनों की आवृत्ति में वृद्धि करने से उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसके मान में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात फोटोनों की, पहला बिंदु ये रहेगा कि फोटोनों की आवृत्ति में वृद्धि करने से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। अगर हम यहाँ कमी करेंगे तो यहाँ कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में समानुपाती का संबंध पाया जाता है। तो हमारा पहला बिंदु यही है, यदि हम आपतित होने वाले फोटोनों की अगर आवृत्ति में वृद्धि करेंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे, तो उनकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। जो दूसरे पॉइंट की बात ये करते हैं, ये हमारा प्रकाश धारा समीकरण है जो हमने पहले की वीडियो में अध्ययन किया था इसके बारे में। अगर हम जो हमारे जो धातु है, अगर वहाँ पे जो फोटोन जो आपतित हो रहे हैं, यदि हम उनकी आवृत्ति बहुत कम कर दें, यानी यदि आपतित होने वाले फोटोनों की आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से कम होती है, तो उस कंडीशन में ये जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, इसका मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, जो कि संभव नहीं है। मतलब ये हुआ कि यदि हम जो फोटोन हम डालना चाह रहे हैं धातु की सतह पर, यदि उनकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर इस ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात इस अवस्था के अंदर किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, संभव नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में उनकी ऊर्जा का जो मान ऋणात्मक हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि आपतित होने वाले फोटोनों की जो आवृत्ति है, वो उस आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। अगर जो हम फोटोन डाल रहे हैं, यदि उनकी आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से अधिक है,
तो ही इस कंडीशन में, इस अवस्था में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर आ जाएंगे। और यदि आवृत्ति का मान इससे कम है, अगर इस तरह से है, तो इस कंडीशन में उनकी ऊर्जा ऋणात्मक होने के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। ये दूसरा बिंदु है। तो हमारा तीसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा कि आपतित होने वाले जो फोटॉन्स होते हैं, जो उनकी तीव्रता है, उस तीव्रता में वृद्धि करने पर, तीव्रता में वृद्धि करने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखो क्या है इसके अंदर, यदि हम फोटोन डाल रहे हैं, यदि उनके हम तीव्रता में वृद्धि करते हो, तीव्रता में वृद्धि करने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होगा? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, यदि हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं, तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की जो संख्या है, उस संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और उस संख्या में वृद्धि होने से जो प्रकाश धारा है, उसके मान में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तीसरा बिंदु में आपको ध्यान समझना है, यदि हम फोटोनों की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो भाइयों तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना इसमें चेंज होता है कि तीव्रता बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन वहां पे आपतित हो रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और उनकी संख्या में वृद्धि होने से प्रकाश धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो चौथा पॉइंट इसमें ये रहेगा, चौथा बिंदु ये रहेगा कि हम किसी धातु की सतह पर अगर हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं, तो जो हमारे फोटॉन्स होते हैं, हम फोटोन डालना चाह रहे हैं, तो जो फोटोन होते हैं, फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस धातु के सतह के इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर देते हैं। अर्थात जो फोटोन होते हैं, वो फोटोन अपनी जो संपूर्ण ऊर्जा है, वो उन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर देते हैं। अब इसमें ये शर्त रहेगी, यदि वो जो फोटोन होते हैं, यदि फोटोनों की ऊर्जा अगर कार्य फलन से अधिक है, ध्यान दे, हम किसी धातु पर जब फोटोन डालते हैं, तो जो फोटोन होते हैं, वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर देते हैं। यदि उन फोटोनों की ऊर्जा यदि कार्य फलन से अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर आने में कोई समय नहीं लगता, बहुत ही नगण्य समय लगता है। उस नगण्य समय के अंदर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। और यदि ऊर्जा का मान कम होगा, तो ऊर्जा का मान कम होने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारे चार बिंदु थे, ये चार पॉइंट थे, इसके आधार हमने इनकी व्याख्या की है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।